नमस्कार दोस्तों डिजिटल ट्रांजेक्शंस एंड इनकम टैक्स वाई आई ऑप्टेड फॉर दिस टॉपिक बिकॉज आज के इस वर्ल्ड में जहां पर हम डिजिटल ट्रांजेक्शन से अछूते नहीं हैं वहां इन डिजिटल ट्रांजेक्शंस का इनकम टैक्स में क्या रोल है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिजिटल ट्रांजेक्शंस को किस प्रकार से अलाउ करता है मानता है उन्हें अथवा नहीं मानता इसी चर्चा को लेकर के आज की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है तो दोस्तों सबसे पहले क्विकली आपके सामने कवरेज रखता हूं आज की इस वीडियो में मुख्य बिंदु क्या क्या है वॉट इज अ डिजिटल ट्रांजेक्शन इनकम टैक्स एंड पर्सनल डिजिटल ट्रांजेक्शन इनकम टैक्स एंड बिजनेस डिजिटल ट्रांजेक्शन मैंने दो वाइफर्केशन किए हैं सर कि आप जो पर्सनल डिजिटल ट्रांजेक्शंस करते हैं या आप अपने बिजनेस के संदर्भ में जो बिजनेस के ट्रांजेक्शंस करते हैं डिजिटली उनका इनकम टैक्स में क्या रोल रहेगा एंड डिजिटल ट्रांजेक्शन का गिफ्ट पर लोन्स पर डिपॉजिट्स पर रियल एस्टेट के ट्रांजेक्शन पर क्या इनकम टैक्स आस्पेक्ट की दृष्टि से हमें बातें समझनी है या ध्यान रखनी है ये सारे बिंदु हम आगे डिस्कस करेंगे तो दोस्तों वैसे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है व्हाट इज अ डिजिटल ट्रांजैक्शन पर मैं इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू डिजिटल ट्रांजैक्शन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस किस ट्रांजैक्शन को एग्री करता है या मानता है द ट्रांजैक्शंस विच आर कैरिड आउट थ्रू क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम और सर्विस UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस RTGS टीजीएस दैट इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी आधार पे एंड ये सारे जो पेमेंट मैंने डिजिटल ट्रांजैक्शंस में कवर किए हैं दीज आर बिकॉज ऑफ रूल सिक्स डबल बी एफ इनकम टैक्स रूल्स नाइनटीन तो अब मेरी चर्चा क्या है सर क्या आपने पर्सनल ट्रांजेक्शन किए या बिजनेस ट्रांजेक्शन किए और इन मोड से किए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्हें डिजिटल ट्रांजेक्शन मानता है और इनकी मान्यता को किस प्रकार से वो देता है यानी उनकी एक्सेप्टेबिलिटी मान रहा है या नहीं मान रहा ये बात मैं आगे आपसे डिस्कस करता हूं तो आइए दोस्तों आपके सामने पॉइंट रखता हूं इनकम टैक्स एंड पर्सनल डिजिटल ट्रांजेक्शन जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपने सेक्शन ए के कॉन्ट्रीब्यूशन किया से एल का पेमेंट किया अपने पीपीएफ अकाउंट में ऑनलाइन पैसे जमा कराए आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट ऑनलाइन या किसी ऐप के थ्रू या पेटीएम के थ्रू इस प्रकार के पेमेंट कर दिए आपने कोई कंट्रीब्यूशन 80G का कर दिया पेटीएम के थ्रू गूगल पे के थ्रू या यूपीआई के थ्रू इसी प्रकार से आप एचआरए का डिडक्शन लेना चाहते हैं आपका रेंट का पेमेंट ऑनलाइन नेट बैंकिंग से करा आरटीजीएस से किया एनई से किया या पेटीएम से किया इसी प्रकार से सर आपने होम लोन की ईएमआई का पेमेंट या क्रेडिट कार्ड के ड्यूज का भी पेमेंट इसी किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड से डिजिटल मोड से किया तो क्या ये पेमेंट अलाउड है क्या आंसर टू दीज क्वेश्चन इज यस सर देर इज नो डाउट दैट ऑल द डिजिटल पेमेंट मोड्स विच आई अवेलेब्रेटेड टू यू वो सारे डिजिटल पेमेंट मोड्स जो मैंने आपके सामने रखे आप अगर उनके थ्रू ये भुगतान करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहीं आपत्ति नहीं करेगा आपको ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशन डिजिटल मोड से पेमेंट करने पर भी डिडक्शन के लिए या क्लेम करने के लिए अलाउड होंगे अवेलेबल होंगे यहां मैं बात कर रहा हूं सर इनकम टैक्स एंड बिजनेस डिजिटल ट्रांजेक्शन यानी आपने बिजनेस में डिजिटल ट्रांजेक्शन किया है एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने रखता हूं सर कि यदि आप टैक्स ऑडिट कंसर्न है या आपका टर्नओवर मैं सीधे सीधे बोलूं दो करोड़ रुपए से ज्यादा है और अब आपके ऊपर सेक्शन फोर्टी फोर लग रही है और आप दस हजार से ऊपर का भुगतान नकद करते हैं तो सर ऐसा भुगतान इनकम टैक्स के पर्पजेस से डिसलाउ हो जाएगा अब आपने यह सोचा कि ठीक है मैं दस हजार से ऊपर का भुगतान नकद तो नहीं करता बट लेट बी पेड डिजिटली मे बी थ्रू अ पर्टिकुलर ऐप थ्रू ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी लाइक एनई एफ टी आर टीजीट्रा तो क्या फिर कोई आपत्ति रहेगी क्या नहीं सर। तो जब आपने कोई ट्रांजेक्शन किया अब मैं इसे दोनों प्रकार से आपके सामने रखता हूं वेन यू आर मेकिंग अ पेमेंट एंड वेन यू आर रिसीविंग अ पेमेंट जब आप रिसीट ऑफ सेल या सर्विस प्रोसीड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है सर आप बिंदास होकर के ऑनलाइन माध्यम से आजकल बहुत सारे लोग सर अपना एक यूपीआई कोड बना लेते हैं या एक अपना स्कैनिंग के हिसाब से कोड बना के रखते हैं गूगल पे में या किसी भी प्रकार का पेयू का ऑल दीज थिंग्स आप उनके थ्रू जब पेमेंट कलेक्ट करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई आपत्ति नहीं है परंतु मैं एक सजेशन आपको देना चाहूंगा सर मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग जो अपना मोबाइल नंबर है वो अपने सेविंग अकाउंट से कनेक्ट रखते हैं वो बिजनेस कर रहे हैं और उस सेविंग अकाउंट में बिजनेस की रिसीट्स इकट्ठे कर रहे हैं एसच ये कोई अपराध नहीं है, लेकिन आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की दृष्टि से अगर देखते हैं तो ये समझिए सर कि जब आप कोई व्यापार करते हैं तो करंट अकाउंट आपका होना चाहिए ये एक अच्छी बात है और अब जो आपका इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फैसिलिटी है या वो खाता जिसमें आप सीधे पेमेंट ले रहे हैं दैट शुड बी प्राइमरली अ करंट अकाउंट इफ यू आर डूइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन पर आप ये कहते हैं कि नहीं भाटिया जी मेरे ट्रांजैक्शन की वैल्यू ज्यादा नहीं है दो पांच सात लाख रुपए ही साल में आते हैं तो मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है प्रोवाइडेड यू आर फाइलिंग योर आईटीआर और आप अपनी आईटीआर में वो सारे ट्रांजैक्शंस दिखाते जा रहे हैं पेमेंट्स पर सर मैंने पहले ही आपको बोला कि दस से ऊपर का भुगतान यदि आप नकद करते हैं तो आपको वो पेमेंट डिसला होगा तो आपने यहां पर यह प्रश्न यदि मुझसे किया कि भाटिया जी मैं फिर ऑनलाइन पेमेंट कर दूं किसी ऐप के थ्रू पेमेंट कर दूं नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर दूं आरटीजीएस एनई एफ कर दूं भारत पे के थ्रू पेमेंट कर दूं तो कोई दिक्कत है भीम के थ्रू पेमेंट कर दूं कोई दिक्कत नहीं है सर आप 10,000 से ऊपर के ऐसे भुगतान डिजिटली करिए आपको कहीं किसी प्रकार का डिसअलावेंस नहीं होगा कोई आपत्ति इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर नहीं करेगा अब जैसा कि दोस्तों मैंने शुरू में बोला था कि डिजिटल ट्रांजेक्शन में अगर हमने गिफ्ट लिया या दिया तो उस पर क्या इंपैक्ट आएगा इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू इसी प्रकार से लोन डिपॉजिट रियल एस्टेट, सेल का भी इनकम टैक्स एस्पेक्ट डिजिटल ट्रांजेक्शन में देखते हैं अगर आप किसी से डायरेक्ट अपने खाते में पेमेंट रिसीव कर रहे हैं गिफ्ट ठीक है डिजिटली डिजिटली मीन्स किसी पर्टिकुलर ऐप के थ्रू या जैसा मैंने डिजिटल पेमेंट के मोड बनाए उनके थ्रू तो कोई दिक्कत नहीं है सर आप कितने भी अमाउंट का पेमेंट रिसीव करें यदि आप रिलेटिव से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो नॉन टैक्सेबल है और नॉन रिलेटिव से रिसीव कर रहे हैं तो सर टैक्सेबल है इस संदर्भ में मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी कि कौन से रिलेटिव से गिफ्ट आना एग्जाम है और कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो रिलेटिव नहीं माने जाएंगे तो आप जब उनसे पेमेंट लेते हैं तो गिफ्ट टैक्सेबल होता है इसी प्रकार से दोस्तों जब आप कोई लोन या डिपॉजिट लेते हैं लेने पर बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है देने वाले पर यह जिम्मेदारी नहीं है कि जिस व्यक्ति ने लोन या डिपॉजिट लिया है यदि वह बीस हजार या उससे अधिक का लोन नकद लेता है तो उतने की पेनल्टी लगती है तो आपने बोला भटिया जी मैंने नकद नहीं लिया मैंने डिजिटल पेमेंट के किसी मोड से लिया कोई दिक्कत नहीं है सर कोई नॉन कंप्लायंस नहीं है इसी प्रकार से यदि आप कोई प्रॉपर्टी बीस हजार या उससे ऊपर की बेच रहे हैं तो भी आप डिजिटल पेमेंट ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कतई परेशान नहीं करेगा इसी प्रकार से सर यदि आपने कोई लोन या डिपॉजिट लिया है या प्रॉपर्टी बेचने के लिए एडवांस लिया था और अब आप वो लोन डिपॉजिट या प्रॉपर्टी बेचने का एडवांस लौटा रहे हैं तो ऐसा एडवांस लौटाना भी आप डिजिटल ट्रांजेक्शन के थ्रू कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की कोई समस्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके लिए यहां खड़ी नहीं करेगा तो मैं आशा करता हूं दोस्तों डिजिटल ट्रांजेक्शन के इनकम टैक्स के क्या सरोकार हैं उस विषय पर बनाई गई यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए ज्ञानवर्धक रहेगी यदि आपके कुछ प्रश्न हो तो आप मुझे जरूर लिखें मैं उनका उत्तर देने की कोशिश करूंगा मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद